साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैं एक अभी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा था आपसे वाटर वाला, सेम उसी तरीके से 2021 पीजीटी के 2021 एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने सब क्वेश्चन छांटे हैं जो लैंग्वेज पर बेस है, इनकी जरा भी ट्यूनिंग अगर गलत होती है तो ये मान के चलिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, पीजीटी 2021, अगर आपके पास में पेपर है तो उठा लीजिए पेपर। पीजीटी 2021, पीजीटी के 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि अगर बेंजीन का नाइट्रेशन किया जाए, ये अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। यहाँ बेंजीन का नाइट्रेशन किया और बेंजीन का नाइट्रेशन में इन्होंने रिएक्शन लिखी, HNO3 लिखा, यहाँ पर आपका H2SO4 लिखा और यहाँ पर बना दिया नाइट्रो बेंजीन। मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता हूँ कि आपको जानकारी नहीं, मैं आपको समझाना यहाँ पर ये चाहूंगा कि क्वेश्चन की आखिरकार ट्यूनिंग क्या होती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनाया, रिएक्शन दे दी, लिखा इन इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन रिएक्शन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इन द अबव रिएक्शन इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, इन कॉमा लगा के, इन द नाइट्रेटिंग, इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 बिहेव एस, HNO3 बिहेव एस। अब मान लेते हैं इनके, मान क्या लेते हैं इनके ऑप्शन, पहले मैं आपको बता दूं। एक ऑप्शन था एज ए बेस, एज ए बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। दूसरा क्वेश्चन था एज एन एसिड, एज एन एसिड की तरह बिहेव करेगा। तीसरा क्वेश्चन था एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो मैं आपको यहां बताने की कोशिश ये करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वाटर की जो कंडीशन है वही यहां पर है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर चूंकि रिएक्शन दे दी तो आप कहोगे सर यहां तो सिर्फ साफ दिया, वो दिया नहीं। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे सर HNO3 क्या है, तो मैं क्या जवाब, आप क्या जवाब यही देंगे ना, सर एसिड है, HNO3 एक एसिड है, यही जवाब दिया ही जाएगा, 100% श्योर है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि HNO3 बिहेव इन नाइट्रेशन, HNO3 बिहेव एज, या ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 बिहेव एज, तो क्वेश्चन का मीनिंग बदल, क्वेश्चन का मीनिंग आ गया कि अब ये एक अच्छे बेस की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको समझाया भी था कि ये बेस की तरह बिहेव कैसे करता है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि पहले ये एच पॉजिटिव, अगर मैं रिएक्शन को देखना चाहता हूं, यहां पर मैंने पीछे भी डिस्कशन पूरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को बहुत बड़ा करना नहीं चाहता। HNO3 को अगर आप H2SO4 के साथ में ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहला काम ये होता है, ये H2NO3 यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव और ये टूट जाएगा, H2NO3 पॉजिटिव बनता है और HSO4 नेगेटिव बनता है। ये दोबारा, अब इसने क्या किया, इसने H लिया है, एक्सेप्ट किया है, इसने डोनेट किया है, तब ये एसिड कहलाया और ये बेस कहलाया। अब ये टूटा, अगर मैं इसको आगे फर्दर इंक्रीज कर दूं तो अब इसे तोड़ दीजिए, H2NO3 पॉजिटिव को तोड़ दीजिए तो ये टूट जाता है। अब आप नोट करिएगा जो HNO3 है, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, H2O में तोड़िए, H2O में तोड़िए और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर HNO3 लिया, एक HS में से HSO4 नेगेटिव बन, H2O में तोड़ दीजिए और साथ ही में यहाँ पर NO2 पॉजिटिव बना दीजिए। अब ये जो H2O बना, इस H2O की एक टेंडेंसी है, ये H पॉजिटिव आयन ले लेगा HSO4 नेगेटिव से और बना देगा H3O पॉजिटिव और साथ में बनेगा, क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा आपका SO4 डाई नेगेटिव, या तो इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये लिख सकते हो, या फिर H डायरेक्ट अगर जोड़ना चाहो तो H3O
NO3, लेकिन वो एक करेक्ट प्रोसेस नहीं, करेक्ट प्रोसेस यही है। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि यहाँ पर HSO4 नेगेटिव जो आपने जोड़ा है, इसने H2O ने क्या काम किया, जो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका, ये H पॉजिटिव दे रहा है, ये एसिड हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये एसिड हो गया, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये बेस हो गया। तो कंडीशंस पर क्वेश्चन डिपेंड करता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अपने इस कंसेप्ट को जरूर सुधारिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप 100% जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत ना करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये क्वेश्चन UPPGT 2021 का ही है, सर सही बता रहे हैं, तो फिर आप जाकर के UPPGT का पेपर खोलिए और उसमें क्वेश्चन तलाशिए, तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ये बात याद कर लो अच्छे से कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन में, फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछा किस ढंग से गया है। अगर डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट वाला जवाब दीजिए, उसका नेचर पर डिपेंडेंट है तो वैसा जवाब दीजिए। आपको इसी तरीके का कंसेप्ट अपना क्लियर करते चलना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिलेक्शन की राहत लेकर के जाएंगे। थैंक यू।